कुणाला व्यवसाय करायचा आहे, कुणाला पासपोर्ट काढायचा आहे, कुणाला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचं आहे, कुणाला कसल्याही प्रकारची म्हणजे आधार कार्ड म्हणा, या सर्वच बाबतीतले जे शासकीय केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महानगरपालिका स्तरावर जे जे दाखले लागतात त्या सर्व दाखल्यांची उपलब्धता या केंद्रामार्फत होणार आहे। आजकल विविध प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वही कई लोगों को कौन सा प्रमाण पत्र कहाँ से लेना है इसका ज्ञान नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जन्म से मृत्यु तक के सभी प्रमाण पत्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, इसलिए ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के विजन से ऐरोली स्थित भाजपा कार्यालय में सेवा केंद्र का उद्घाटन विधायक गणेश नाइक के हाथों सम्पन्न हुआ, जहां पर उनके साथ ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक अनंत सुतार, पूर्व नगर सेवक, नगर सेविका एवं भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। बता दें कि इस सेवा केंद्र के माध्यम से उत्पन्न प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, गुमास्ता, स्मार्ट कार्ड, फूड लाइसेंस, आधार अपडेट, स्कूल एवं महाविद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म, नौकरी के संदर्भ में ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होंगे। उद्घाटन के बाद मान्यवरों द्वारा सेवा केंद्र का जायजा भी लिया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि केंद्र, राज्य एवं मनपा स्तर पर जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वे इस केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। विविध दाखले मिलवताना लोकांची दमछाक होती, बऱ्याच वेळा लोकांना कुठला दाखला कुठून मिळवावा याचं निश्चितपणे ज्ञान नसतं, आणि म्हणून सर्व स्तरावर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत दाखला, कुणाला व्यवसाय करायचा आहे, कुणाला पासपोर्ट काढायचा आहे, कुणाला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचं आहे, कुणाला कसल्याही प्रकारची म्हणजे आधार कार्ड म्हणा, या सर्वच बाबतीतले जे शासकीय केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महानगरपालिका स्तरावर जे जे दाखले लागतात त्या सर्व दाखल्यांची उपलब्धता या केंद्रामार्फत होणार आहे। नळल्या अडलेल्यांना लुटण्याचं काम जे काही घटक करतात त्याला बंधन घालण्याकरता निश्चितपणे ह्या ई सेवा कार्डचं त्या ठिकाणी आपण आयोजन केलेलं आहे। आगे उन्होंने ये भी कहा की सभी प्रमाणपत्र मूल किंमत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे एवं जो लोग पैसों का भुगतान नहीं कर सकते ऐसे लोगों के पैसे कार्यालय के माध्यम से भरे जाएंगे। या ठिकाणी मूलची किंमत आहे, मूल किंमत, त्या मूल किमतीमध्ये ते मिळेल, आणि काही जे खरोखर अपंग वगैरे काय असतील अशा घटकांचे पैसे कार्यालयामधून भरले जातील आणि त्यांना विनामूल्य त्या ठिकाणी मिळण्याचा प्रयत्न। ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के विजन से शुरू किए गए इस केंद्र का लाभ निश्चित तौर पर शहरवासियों को होगा, क्योंकि उन्हें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।